PCL5 हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम इन केस ऑफ PCL5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको PCL5 भी मान सकते हो, PF5 भी, PBr5 सेम रहेगा उसके अंदर, बस ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो चेंज हो जाएंगे। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम P, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा इसके अंदर, जैसे PF5 1 1 2 3 4 5 5 बन रहे हैं बेटा बॉन्ड इसमें। यस सर। तो फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन सबसे पहले, फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यस और नो? तो इसमें ग्राउंड स्टेट जो फॉस्फोरस है बेटा, फॉस्फोरस में ग्राउंड स्टेट में देखो दो इलेक्ट्रॉन तो हो गए ये 3s में, उसके बाद 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन, अपने को कितने अनपेड रिक्वायर्ड है इसमें, 5। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवाना पड़ेगा अपने को। अब देखो इसमें 3p, ये 3p, अब 3d ऑर्बिटल्स भी होते हैं फॉस्फोरस में, लेकिन वो 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये देखो हो गए 3d, अब ये एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवा देंगे हम किस में, 3d के अंदर। तो एक्साइटेड स्टेट अपने पास बन गया 1 1 2 3 और एक का ये हमने एक्साइटेशन करा दिया बेटा डी में 1, ठीक है बेटा। अब देखो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपने पास अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखो एस पी थ्री डी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें ये हो गया अपने पास, दिस इज PX PY PZ, और इसमें ये मानेंगे हम DZ² ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो इसमें अपने पास 5 ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5। यस सर। अब देखो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमने ये ब्लू से मार्क कर रहे हैं, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे जहाँ पे रिपल्शंस कम हो जाएं और अट्रैक्शंस मैक्सिमाइज हो जाएं। तीन हो गए बेटा, तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें, 1 1 1 1। तो इन्होंने तो अपने आप को अलाइन कर लिया अलोंग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब देखो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ये हो गया एक्सियल बॉन्ड्स, इनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस और नो? यस सर। अब देखो इसमें ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ये ट्राइंगल बन गया, नहीं बना? यस सर। अब देखो इसको, ये ट्राइंगल में ये एक बॉन्ड टॉप साइड में हो गया तो ट्राइंगुलर पिरामिडल, और एक नीचे की साइड में बन गया तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल राइट। अब इसके बाद देखो अपने पास इसमें सेकंड साइड एटम है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा, फ्लोरीन है अपने पास, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5। तो p में 5 हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 2p5 p5 को ऐसे बनाएंगे अपन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फुल हो गए, 2 फुल, तो एक p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है ना ये, यस सर। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके इस ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे, और इसकी शेप कैसी है, डंबल शेप। तो ऐसे ये डंबल शेप में ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, और को एक्सियल ओवरलैपिंग किस में हो रही है, ये फ्लोरीन का एटम रिप्रेजेंट कर रहा है पी के अंदर, 2p ऑर्बिटल्स में हो रही है को एक्सियल ओवरलैपिंग।
ये बनेगा बेटा Pf5 का। इसी तरीके से ये 2p है इसमें, और क्लोरीन होता तो क्या आ जाता है उसके अंदर, क्लोरीन के केस में जो 3p। ओवरलैपिंग होगी क्लोरीन के केस में वो किसके साथ हो जाती है बेटा, 3p ऑर्बिटल्स के साथ। यस सर। तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे इसके अंदर 2p 2p ऑर्बिटल्स। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Pf5 मॉलिक्यूल। एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 is सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब देखो बेटा सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अंदर अपने पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए इसमें फ्लोरीन के साथ। सल्फर एंड फ्लोरीन आर बॉन्डेड बाय 6 सिग्मा बॉन्ड्स। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तुम्हारे को? 6। तो इसमें देखो सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे 16 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब देखो इसकी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में बेटा ये हो गया 3s2 और 3p, ये हो गया 3p, 3p4। देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 4 हैं। थ्री पी में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो तुम्हारे को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 6। अब देखो 3d जो ऑर्बिटल्स हैं, 3d ऑर्बिटल्स 5d जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं 3d में, ये हो गए 3d। 3d वैकेंट है इसमें पूरा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन होगी। अब एक्साइटेड स्टेट देखो बेटा, इसका एक्साइटेड स्टेट कैसे बनाएंगे हम? इसके एक्साइटेड स्टेट के अंदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसका पी से डी में जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट वन, एक्साइटेड स्टेट वन अपने पास बन जाएगी 1, और ये यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अभी 4 अनपेड हुए बेटा अपने पास। यस सर। अब अपने को कितने चाहिए इसमें? 6। तो इसका मतलब इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2 भी बनानी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन का भी एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। तो यस सर, इट गिव राइज टू 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे 6 टोटल हो गए अपने पास, अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1s ऑर्बिटल, 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अपने पास हाइब्रिडाइजेशन हुई बेटा sp3d2। sp3d2 कैसे कह सकते हैं हम? एक तो देखो सल्फर का जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जो ऑर्बिटल्स 3s, 3s, ये 1s ऑर्बिटल हो गया, उसके बाद 3p, p के 3 हो गए बेटा इसमें, दिस इज px, 3px, 3py, 3pz, और 2 ऑर्बिटल्स हो गए बेटा इसमें dz² एंड dx² - y² प्लस दिस इज dx² - y² प्लस इसको अगर z मान लेते हैं तो ये हो गया आपने z² dz²
तो इनमें देखो सब में इंटरमिक्सिंग हुई तो अपने पास वही हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3d2। अब देखो अपने पास कितने ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हुई है बेटा, टोटल सिक्स में। तो सिक्स में हुई है तो वी विल गेट सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अपने को सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे इसमें। अब सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल अलाइन देम सेल्फ। नो सर। तो ये सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल अलाइन देम सेल्फ इन सच अ वे सो दैट रिपल्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड एंड अट्रैक्शंस कैन बी मैक्सिमाइज्ड। तो देखो ये अपन सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, ये सेंट्रल एटम हो गया अपना सल्फर, वन राइट right? चार ये ऐसे बन गए, चारों में फोर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, वन वन इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हो गए एक्सियल यू, वन वन इलेक्ट्रॉन इन ईच। अब देखो इसके बगल में साइड एटम क्या लिया था अपन ने, SF6 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन होगी वही 2s2 2p5। तो एक पी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पी ऑर्बिटल्स आर डम्बल इन शेप। वो फ्लोरीन का एक पी ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ अपना, दूसरा फ्लोरीन को ये यहां पे शेयर करेगा। देखो बेटा अब इसकी शेप बनाएं हम, तो इसकी शेप बनाएंगे तो देखो ये अपने पास एक्सियल बॉन्ड हो गया ये। यस सर। ये देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब देखो बेटा इसमें ऑक्टाहेड्रल शेप हुई या नहीं हुई अपने पास। यस सर। दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। बॉन्ड एंगल्स विल बी 90 डिग्री। और कुछ एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जैसे Cr Cr F6 3 नेगेटिव। देखो टोटल सिक्स बॉन्ड बनेंगे इसमें भी, Cr Cl6 3 नेगेटिव और Cr NH3 all 6 3 positive, CONH3 all 6 3 positive। देखो टोटल सिक्स सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना बेटा इसमें। तो ये ओवरऑल दीज इनकी सभी की शेप कैसी होगी, ऑल द शेप्स विल बी ऑक्टाहेड्रल राइट। यस सर। ऑक्टाहेड्रल शेप्स होगी इनके अंदर। अब देखो बेटा नेक्स्ट अपन देखते हैं IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड लास्ट। IF7 आयोडीन आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। देखो बेटा IF7 के अंदर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। यस सर। तो इसमें सेंट्रल एटम हो गया अपने पास आयोडीन। तो आयोडीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इसमें। देखो आयोडीन के लिए अपने पास हो गया आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा।
आयोडीन हेलोजन्स के मेम ग्रुप में आएगा नहीं आएगा, मैं इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन लिख देता हूँ बेटा आयोडीन की। देखो आयोडीन अपने पास फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में, क्लोरीन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में आएगा आयोडीन। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, फिफ्थ पीरियड में इसकी कॉन्फिग्रेशन होगी आउटर मोस्ट 5s2 5p5. अब देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन लिख दी हमने, ये आउटर मोस्ट 5s2 और ये 5p5। ये 5s है और ये 5p और 5d भी होंगे इसमें, लेकिन 5d यहाँ पे कैसे होंगे बेटा, वैकेंट। अब देखो इसमें एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट 1, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे एक्साइट करा देंगे 5d में, तो एक्साइटेड स्टेट 1 में अपने पास इलेक्ट्रॉन्स बन गए। थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन यहां पे करवाएंगे तो अपने पास वी विल गेट एक्साइटेड स्टेट 2। ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन, वन टू, अब अपने पास हो गए बेटा 500 इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराना पड़ेगा या नहीं? यस सर, कराना पड़ेगा, बिकॉज वी रिक्वायर 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका भी एक्साइटेशन करवा देंगे। तो ये 1 1 2 3। अब अपने पास देखो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कितने ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी? 7 ऑर्बिटल्स, तो 7 ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी, तो अपने पास वी विल गेट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। यस और नो? यस सर। अब इसमें जो d3 ऑर्बिटल्स है, 3d ऑर्बिटल्स को हम ले सकते हैं, एक dxy, dyz एंड dzx, px हो जाएंगे, px, py, pz। अब उसके बाद देखो ये ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे जहां पर रिपल्शंस तो कम हो जाएं और अट्रैक्शंस मैक्सिमम हो जाए, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इसके अंदर? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल अलाइन इन अ शेप ऑफ रेगुलर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। रेगुलर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा इसमें, देखो पेंटागन 5 बनाने हैं इसके अंदर आपको, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया,
देखो ये तीन ऑर्बिटल्स ऐसे बन गए बेटा, इसमें पेंटागन बनाना है आपको। हाँ देखो अब इनको एक्सियल बॉन्ड से देखो ये पेंटागन बन गया ना बेटा। अब इसमें ये जो दो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इन एक्सियल बॉन्ड से इसको हम कनेक्ट कर देंगे ये वहीं। ये ऐसे पेंटागन एक तो बन गया अपवर्ड्स, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगी इसमें शेप, इसको बोलेंगे हम पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब इसके बगल में फ्लोरीन के एटम्स हैं, जो फ्लोरीन के एटम्स हैं वो इनमें सब में वन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वन वन इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ शेयर करेगा, फ्लोरीन के टू पी ऑर्बिटल्स के साथ। और बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, देखो जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, इक्विटोरियल बॉन्ड्स तो सबके साथ 90 डिग्री का बनाएंगे ये एक्सियल बॉन्ड्स के साथ, और इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच, इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच में अपने पास बॉन्ड एंगल हो जाएंगे बेटा इसमें 72 डिग्री, पेंटागन में 72 डिग्री बिटवीन इक्विटोरियल इक्विटोरियल एंड 90 डिग्री विद एक्सियल इक्विटोरियल। समझ गया बेटा ये IF7? यस सर, यस सर। बोलो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी बेटा शेप इसमें, वैसे ठीक है ना, वेस्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम ड्रॉ आउट कर सकते हो इसको, यस सर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर, यस। जो 90 डिग्री ये थोड़ा सा क्लियर बनाओ एक उसको, देखो ये सेंट्रल एटम है यहाँ पे अपने पास, ये पांच हो गए, ये पेंटागन बन गया बेटा, इनमें इन सभी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, क्या बोलेंगे इनको बेटा, इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। देखो तो ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये है एक्सियल बॉन्ड, तो देखो बेटा ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स के तो ये एंगल्स हो गए, तो ये एंगल्स होंगे आपके पास 72 डिग्री के। देखो ये भी इक्विटोरियल इक्विटोरियल, अब देखो ये ऊपर वाले एक्सियल हैं, तो देखो एक्सियल का इक्विटोरियल के साथ ये जो एंगल होगा इनके साथ ये 90 डिग्री का होगा ना बेटा, एक्सियल इक्विटोरियल का, यस सर। समझ गए? यस सर, जो एंगल निकालना है वो आगे पढ़ेंगे सर। नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, अब अपन कुछ इररेगुलर शेप्स के बारे में बात करते हैं, जैसे अमोनिया की डिस्कस की थी, तो इररेगुलर शेप फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब देखो बेटा वाटर के अंदर वाटर का लेवाइज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तुम, तो दो लोन पेयर आती हैं इसमें और दो बॉन्ड पेयर, तो सेंट्रल एटम हो गया इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कॉन्फिग्रेशन अपने पास होगी 2s2 2p4। देखो ग्राउंड स्टेट ये 2s2 2p4, बताओ इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आप लोगों को, दो, तो तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर एक्साइटेशन अपन ने पहले ही लिखा था कि एक्साइटेशन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे एक्साइटेशन कराना पड़ेगा, नो सर, तो यहाँ पे नो सर, एक्साइटेशन नहीं कराना पड़ेगा, तो देखो किस किन किन ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होगी, sp3, और उसमें एक कंडीशन भी लिखी थी हमने कि समटाइम्स फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में ऑल्सो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन,
यस और नो? यस सर। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा इसमें, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो शेप कैसी होगी इसमें? रेगुलर शेप, तो मतलब ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप इसमें आएगी बेंट और वी शेप। अब देखो कैसे, मान लो ये अपन ने सेंट्रल एटम ले लेते हैं, तो ये जब सेंट्रल एटम लेंगे तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया अपना, टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अलाइन कर दो सबको, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, राइट? अब देखो इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर यहां पे दो में लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और इन दो ऑर्बिटल्स में वन वन इलेक्ट्रॉन है ईच। यस सर। अब इनके बगल में साइड एटम हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, तो 1s1 के हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। ये रेड से हमने हाइड्रोजन को बना दिया, तो देखो ये जो शेप होगी, ये एंगल होता है इसमें 104.5 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप, ठीक है? बोलो बेटा इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये जो sir. ये जो अपने पास हो गए ऊपर वाले, इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे दीज आर नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये कौन से हो गए दोनों? बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड, बॉन्डिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, समझ गए? Yes, sir. तो दो बॉन्ड पेयर बन गई इनमें, ये दो सिग्मा बॉन्ड हो गए बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम के साथ। अब इसके अदर एग्जांपल्स, इसके जैसे सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर देखो H2O, अब वही कल बॉन्ड एंगल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, H2O में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री बताया हमने, H2S, H2SC, H2T, देखो सेम सब में दो दो बॉन्ड पेयर है ना बेटा, इसमें लगभग बॉन्ड एंगल होगा अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, ठीक है? अब देखो यहां से यहां तक जब सब में सेम है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है ना, इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। यस सर। तो इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंट्रल एटम, बिकॉज वही रीजन आएगा जो कल हमने डिस्कस किया था, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स, हेंस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम ड्यू टू विच bonds come closer by decreasing the angle, bonds नजदीक आ जाएंगे तो bond angle इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इन सब के अंदर। इसके अदर एग्जांपल्स अपन बोल सकते हैं जैसे SNCl2, SNCl2 बोल सकते हैं? नहीं SNCl2 नहीं बोलेंगे बेटा, इसमें बेंट और वी शेप होगा लेकिन SNCl2 इसके टाइप में नहीं आएगा। NH2 नेगेटिव, SNCl2 की शेप बेंट ही होगी बेटा लेकिन इसके टाइप में नहीं आएगा, NH2, OF2,
एक्सेट्रा, ये इसी के जैसे ही होंगे ये सेट्स में। बोलो इसमें कोई डाउट वाटर के में? नो सर। नो सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आ रहे हैं ना बेटा? यस सर। अब देखो इसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में लगाना ये आप। हाउ टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन एक्स बराबर होगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स, मोनोवेलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी, मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप्स जिनकी वैलेंसी वन हो, माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है अगर आयन है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देंगे, और उसके बाद प्लस करेंगे उसके अंदर हम ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। उससे हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। अब देखो जैसे अपन सिंपल इसमें मीथेन ही ले ले, मीथेन के लिए कैलकुलेट करनी है अपने को। देखो कार्बन के अंदर बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हाफ कार्बन के अंदर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन चार हो गए इसमें। अब देखो मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, फोर, चार्ज इसके ऊपर है नहीं तो वो चीज़ को हटा दो तो फोर बाई फोर बराबर फोर आ गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें sp3। अब फॉर एग्जाम्पल NH4 प्लस की निकालनी है ऐसे ही, तो NH4 प्लस के केस में क्या हो गया हाफ, पांच इलेक्ट्रॉन्स, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के अंदर सेंट्रल एटम में, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन के चार हो गए, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वन पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस वन कर दिया तो बराबर फोर, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे इनमें। समझ गए बेटा? यस सर। इससे प्रेडिक्ट कर लोगे या नहीं कर लोगे? देखो नेगेटिव का लेंस जैसे एक CH3 क्या हाँ फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, मोनोवेलेंट एटम थ्री, नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है तो वन नेगेटिव चार्ज है तो ये बराबर आ गया फोर, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, प्लस उसमें जो भी मोनोवेलेंट एटम्स है, मोनोवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी वन है, जैसे मान लो यही ले लिया तुमने IF7 तो फ्लोरीन की वैलेंसी वन है। अब सेंट्रल एटम में इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आयोडीन के सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा सेवन, मोनोवेलेंट एटम सेवन, चार्ज कुछ भी है नहीं तो ये बराबर आ गया सेवन के, तो सेवन आ गया तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d3। इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे। मोनोवेलेंट एटम्स पता होने चाहिए तुम्हारे को। जैसे अब कोई एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं अपन जिसमें मोनोवेलेंट एटम्स ना हो, मान लो देखो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, तो सल्फेट में मोनोवेलेंट एटम्स एक भी नहीं है तो सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा सिक्स, मोनोवेलेंट एटम्स जीरो, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है इसके अंदर तो माइनस जीरो, प्लस इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है तो प्लस टू, तो सिक्स प्लस टू हो गया एट डिवाइडेड बाई टू फोर, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसमें sp3। ऐसे प्रेडिक्ट करेंगे अपन। जैसे ले लिया हमने CO3 2 माइनस, तो इसमें कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर, मोनोवेलेंट एटम है नहीं जीरो, पॉजिटिव चार्ज नहीं है जीरो, प्लस नेगेटिव चार्ज टू, तो सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री, तो थ्री बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, कैसे करेंगे इसमें प्रेडिक्ट? ओके सर। यस सर।